हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपाज गार्डन। आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ उसे आप सब पहचानते हैं। ये है गुणकारी और औषधि गुणों से भरा प्लांट एलोवेरा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए और हमारी सेहत बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स में प्रयोग किया जाता है। ये एक एयर प्यूरिफायर भी है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे आप अपने घरों में ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती इसकी। जैसा भी सॉइल हो ये अपना ग्रोथ करता है। आप हर तरह की सॉइल में इसको लगा सकते हैं। मैंने इसको अपने गार्डन सॉइल में लगाया है, तो आप भी गार्डन सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई स्पेशल सॉइल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सकुलेंट है और इसके अंदर बहुत सारी नमी स्टोर रहती है, तो इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत है। पानी आप बहुत कम डालिएगा इसमें। हफ्ते में एक बार अगर आप इसमें पानी डालते हैं तो भी ये ग्रोथ करता रहता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये पौधा कोई खाद भी नहीं मांगता, कोई स्पेशल खाद की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस गमले में आपने इसको लगाया है उसका जो ड्रेनेज होल है वो सही हो, और जब भी पानी डालें तो ड्रेनेज होल से पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, पानी इसके मिट्टी में ठहरना नहीं चाहिए। तो सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लाइट एंड लोकेशन की। ये प्लांट जो है इसको धूप पसंद है, लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी इसको नहीं पसंद है। इसको तेज़ धूप से इसको नुकसान पहुंचता है। अगर दिन भर ये तेज़ धूप में पड़ा रहेगा तो इसके जो पत्ते हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, इसका जो पत्ता है वो सूख जाएगा और प्लांट जो है एकदम अनहेल्दी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना ग्रीन है, कितना हेल्दी लगता है। इसका कारण यही है कि मैं इसको ऐसे जगह में रखती हूँ जहाँ पे इसको एक दो घंटे की धूप मिलती है और बाकी जो टाइम है वो इसको छाँव मिलता है। तो इसको धूप और छाँव दोनों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है इस प्लांट के बारे में। तो आप भी नर्सरी से इसका एक पौधा ला सकते हैं और लगा सकते हैं अपने घर में, या तो अगर किसी के घर से आपको इसका छोटा सा पौधा मिल जाए तो आप उसे ला के अपने घर में लगा सकते हैं। तो बहुत ही एक खूबसूरत सा सकुलेंट है ये, आप ज़रूर लगाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपने पौधों का खूब सारा ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी गार्डनिंग।